तो टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स नाम से ही पता लग रहा है, गेट पता है सबको क्या होता है, लॉजिक लॉजिक से खुलने वाला गेट। जैसे एक डायोड है, डायोड भी तो गेट की तरह काम कर सकता है। अगर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग मिल गई फिर तो वो करंट को पास होने दे देगा, और अगर रिवर्स मिली तो लॉजिक लगाएगा रिवर्स है और करंट को ब्लॉक कर देगा। लॉजिक है देखो, तो मशीन भी ऐसे काम करती हैं। गेट्स डायोड से ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, वैसे बता दूं मैं, कंस्ट्रक्शन तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये कैसे बने होते हैं, बट लॉजिक गेट्स के अंदर हम ये काम कहाँ आता है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपकी इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, उसका हार्डवेयर, उसके अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो वही काम करेंगी जो आप चाहेंगे। तो मैं बेसिकली वो लॉजिक लगाएंगे, वो आपकी लैंग्वेज को समझेंगे, लॉजिक लगाएं, सॉफ्टवेयर आपसे इनपुट लेगा, हार्डवेयर को वही इंस्ट्रक्शन देगा कि जैसे उसको काम करना है। तो ये लॉजिक, मशीन भी लॉजिक लगा रही है कि कैसे यूजर की लैंग्वेज को समझ के कैसे काम करना है। तो जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास एक एलईडी डिस्प्ले है। जो एलईडी डिस्प्ले है, देखो एलईडी डिस्प्ले क्या है, जिसमें न्यूज़ आपने देखी होंगी, न्यूज़ चलती हैं, रनिंग न्यूज़ हैं और वो लाइट्स चलती हैं और वो रेड कलर में पूरी न्यूज़ डिस्प्ले चलता रहता है, पूरी खबरें चल रही हैं या कोई भी चीज़ ऐड चल रही है तो रेड कलर की एलईडीज लगी होती हैं उस पर, पूरी कोई लेटर्स पूरे चलते हुए दिखते हैं ऑफिस के आगे, हाँ बहुत ट्रिब्यून ऑफिस के आगे वो पूरा चल रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अंदर लाइट्स ही तो होती हैं एलईडीज की। मान लो आपने 8 नंबर डिस्प्ले करना है, 8 आपने कंप्यूटर में ऑफिस में बैठ के 8 दबा दिया। अब मशीन को तो यार आपको पता है 8 है, लाइटों को थोड़ा ना पता है एलईडीज को 8 है, लेकिन आप कमाल की चीज़ देखो, बीच में ज़रूर एक ऐसी चीज़ लगी हुई है जो इन एलईडीज को ऑन कर देंगी और आपको 8 दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ऑफ हो जाएंगी, बाकी ऑफ होंगी तभी तो ये चमकेंगी 8 है। और जब आप कोई न्यूज़ रन करते हो, पूरी न्यूज़ आपने टाइप कर दी, आप देखो विद इन नो सेकेंड वो एलईडीज कभी ऑफ कभी ऑन कभी ऑफ, इस तरीके से कि यूजर को वही दिखेगा जो अक्षर वो पढ़ना चाहता है। अपना नाम टाइप करेंगे रनिंग में तो वो रनिंग पूरी दौड़ रही होती है न्यूज, तो वो एलईडी उस टाइम वो ऑन होती है फिर ऑफ हो जाती है। कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी एलईडी ऑन है कौन, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो बस ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ, मेरे को क्या लेना देना यार, मैं ये तो ना फैसला करूंगा 10,000 एलईडी में ये ऑन करो ऑफ करो ऑन करो ऑफ करो, कोई तो ये डिसीजन ले रहा है। तो अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो कि किससे बनी हुई हैं, गेट से, और गेट्स किससे बने हुए हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर से। तो ये कैसे बने हुए हैं नेक्स्ट टाइम का आप काम है, बट डिसीजन मेकिंग जो मशीन करती है उसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट, क्योंकि लॉजिक लगा के सिग्नल को पार करना है या ब्लॉक करना है या भेजना है ये मशीन डिवाइस करेगी। तो डिसाइड करेगी कौन सी एलईडी ऑन होगी कौन सी ऑफ होगी। ऐसे जितने भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनमें चिप लगी होगी, इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं, आईसीज लगे होते हैं, ये सब अंदर लॉजिक गेट्स पड़े होते हैं। जो मशीन बस बटन दबा, आप टच देखो मशीन है, टच किया काम हो गया। मशीन सोच तो रही है, मशीन को कैसे पता, आप तो बटन दबा के चले गए, लेकिन कोई इंजीनियर ने सोचा कि यूजर तो बटन दबाए बस, उसके बाद इनपुट मशीन अपने आप ले, उसके बाद अपने आप डिसाइड करे उसको क्या करना है। तो यही काम गेट्स करेंगे और फैसला करेंगे कि आगे आंसर क्या आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मशीनी लैंग्वेज है, जो मशीन की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है। मशीन तो इलेक्ट्रॉनिक है, वो तो वोल्टेज समझती है, वो हमारी लैंग्वेज भाषा थोड़ी समझेगी, वो तो वोल्टेज बिजली से चलने वाली मशीन है। तो वोल्टेज असाइन की जाती है हर मशीन को, अंदर सिग्नल्स हैं। नॉर्मली जो डिजिटल मशीन है जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जो भी ये लॉजिक गेट्स हैं, कि नॉर्मली दो ही वोल्टेज को समझते हैं, एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। तो बेसिकली कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर दो ही हर कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर है वो अपनी एक लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन की लैंग्वेज। हमें नहीं सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है बचपन में डेसिमल नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम है तो ये बताया जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नंबरिंग करनी है तो इसी को रीअरेंज करके नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन एक नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन समझेगी वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें सिर्फ दो ही डिजिट हैं, 0 और 1 बस।
तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा जीरो और वन से बनेगा। आप ये ना सोचें कि जीरो वन कंप्यूटर को समझ, जीरो और वन नाम की चीज भी नहीं है, एक्चुअल में वोल्टेज है। जैसे 5 वोल्ट है, या तो कंप्यूटर की वोल्टेज 5 वोल्ट है या फिर 0 वोल्ट है, या 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, ऐसे। तो जब वो 0 वोल्ट है वो 0 बोल रहे हैं, जब 5 वोल्ट है तो 1 बोल रहे हैं, 1001 1001 ऐसे है। एक्चुअल में कंप्यूटर तो या कोई भी मशीन तो वोल्टेज समझ रही है, पर हम 1001 अपने आसानी के लिए बोलते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? और भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसकी नंबरिंग 0 से लेके 8 तक 7 तक होती है, टोटल 8 नंबर होते हैं इसमें। और ऐसी हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है 0 से 15 तक, जिसमें 16 नंबर होते हैं। पर ये आप अपने इंजीनियरिंग में जब जाएंगे ये सब सिखाएंगे, आपको फर्स्ट ईयर में कंपल्सन है, सीखना पड़ेगा आपको। अभी के लिए आप सीखेंगे 0 और 1। 0110 में जैसे सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 23, और ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल, क्योंकि 2 और 3 हमारा नंबर तो मशीन का नंबर तो हो नहीं सकता। इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? बाइनरी में। बाइनरी का मतलब या 0 और 1 में इक्विवेलेंट, मतलब हम समझते हैं 23 नंबर, मशीन 23 ही समझेगी, मशीन 1 या 0 की लैंग्वेज समझ। तो कैसे कन्वर्ट करना है अपने नंबर को 1001 में? तो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल में लिखा नहीं जाता, मतलब ऐसे लिखा लिखा नहीं होगा पेपर में डेसिमल, इसके पैर में 10, 10 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसके पैर में 2, इसका मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो ये इसका ऐसे, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो सिखाया जाता है वो ये है, आप नंबर को लिखें, नंबर को 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से या रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है। आप 2 से डिवाइड करें तो यहां पर क्या आएगा? 11, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 2 से डिवाइड करें 5, 1 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करें 2, 1 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करें 1, 0 रिमाइंडर। और 2 से डिवाइड करें 0, 2 into 0 is 0, 1 रिमाइंडर। सारे रिमाइंडर इकट्ठे कर दिए जब तक 0 नहीं आ जाता, रिमाइंडर को उल्टा जोड़ दें, 1 0 1 1 1 आंसर, 1 0 1 1 1 इसका इक्विवेलेंट है। तो बाइनरी नंबर कैसे बनता है समझ में आ रहा है? कि कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएं, रिमाइंडर इकट्ठे करें जब तक 0 नहीं आता, फिर उल्टा कर दें, 1 0 1 1 1 आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक, सेम रिपीट करेगा ही नहीं, जब मर्जी जो मर्जी नंबर ले लो, अगर सेम ही आ गया फिर तो यार सिस्टम गलत हो गया। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? जैसे एक अगर किसी को यह मेथड पसंद नहीं आया 2 से डिवाइड करने वाला, एक और आसान तरीका है, फिर क्वेश्चन सेम है, 23 डेसिमल, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी। एक काम करें, लिखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 अगर लिखते जाए, नहीं नहीं देख लें, 23 नंबर बनाना है, इसका मतलब है 1, 2 की पावर 0 इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, इसका मतलब 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। आपको इनमें से नंबर सेलेक्ट करने हैं, कि कोई भी नंबर सेलेक्ट करें, ऐड करके 23 बनना चाहिए। तो किसी ने कहा सर ये सेलेक्ट करूंगा, भाई मैंने कहा ये कैसे कर, 2 की पावर 5 तो पहले ही 32 है, तो उससे बड़ा ऐड क्या करेगा उसमें? तो कहेगा ठीक है ये नंबर रहने देता हूं। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। हाँ ठीक है सिलेक्टेड, 16 प्लस कहता 8 कर दूं, कर दे, कितना 16 प्लस 8 क्या हुआ? 24, 24 एक्सीड कर गया, रिजेक्टेड, क्या करेंगे लेके इसे? ये ठीक है, फिर भी ये ठीक है, 16 में 4 ऐड किया कितना? 20, सही है 20, 20 में 2 ऐड किया कितना? 22, 22 में 1 ऐड किया, हाँ ठीक है डन, 23 बन गया, बन गया। कोई भी लो आप, कॉम्बिनेशन यही बनना है अल्टीमेटली, जो सेलेक्ट हो गया वो 1, जो रिजेक्ट हो गया वो 0, 1 0 1 1 1। ठीक, जैसे कोई नंबर है 33 डेसिमल, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, पहला तरीका आप डिवाइड कर दें, दूसरा तरीका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये लेने का फायदा नहीं है यार, ये तो मत लो,
उसने अगर गलती से अगर ले लिया तो ले लिया, तो जीरो ले लो उसका, और लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, जीरो काउंट नहीं होगा। तो ये सिलेक्ट कर लें, 32 है, सही है। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, क्योंकि ये 1 है, 2 की पावर 0 इज 1, तो 32 और 1 33, सही है। 32 प्लस 1 33, राइट। क्या आएगा? 1 0 0 0 0 1, आंसर। डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, चेक कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसमें ढूंढना पड़ेगा, उसमें 2 से डिवाइड करने ज्यादा आसान लगता है, ढूंढना नहीं पड़ता ना। इसमें सीधा है, इसमें तो बस 2 से डिवाइड करते हो, अपना रिमाइंडर इकट्ठे करो, आंसर आ गया। टू की पावर, हाँ तो ये कर लो ना, 2 वाला कर लो। ज्यादातर लोग 2 से ही करते हैं वैसे तो, ज्यादा आसान लगता है, मतलब करते जाओ डिवाइड, कभी तो आंसर आ ही जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अगर उल्टा क्वेश्चन है, चलो अगर उल्टा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज 10111 इन बाइनरी डेसिमल बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे लिख देना है 2 की पावर 0। इसका मतलब क्या था? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, लिख दिया। इन्हें इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस, 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 इसको इससे चेक कर ले, आंसर 23 आएगा। करने की जरूरत क्या है, मैं तो भी करके ही आया हूं उल्टा, देख लेना करके। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसका यही तरीका है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके नीचे नंबर लिखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, करते करते 2 की पावर जो भी है, फिर मल्टीप्लाई करते जाए नंबर को और पावर को और उसे ऐड करते हैं। क्या है पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? लॉजिक 8 है सिलेबस में, गए 3 नंबर फ्री के, करना गया था, सही तो होना था, गलती नहीं हो सकता। क्वेश्चन मेन में आ जाए और नीट में, नीट में तो पक्का आएगा वो तो, और कुछ नीट करे ना करे उनके 4 नंबर तो पक्का आएंगे। नेक्स्ट देखो, अब लॉजिक गेट्स के अंदर अभी गेट स्टार्ट नहीं हुए, तो चलो एक मशीन की लैंग्वेज है जो एटलीस्ट हमें समझ में आती है कि ये एग्जैक्टली काम करती कैसे है। लॉजिक गेट्स में बेसिकली 3 किस्म के गेट्स डिफाइन किए गए हैं जो बिल्कुल बेसिक गेट्स हैं। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। 3 गेट नाम है ये, बाकी और भी हैं, अभी बेसिक गेट कह रहा हूं। स्टार्ट यहां से, और गेट का सिंबल ऐसा होता है, ये और गेट का सिंबल है। देखो आप कहेंगे ये क्या चीज है, ये क्या है, इसको तोड़ के देखेंगे ना तो अंदर डायोड निकलेंगे, वो तोड़ के अगली बार दिखाऊंगा इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है। ये तो बस एक आउटर शेप है इसकी, ताकि हमें याद आ जाए या समझ में आ जाए कौन सा गेट है, पर अंदर ये डायोड से बना होता है। वो कैसे बना हुआ है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये एक कौन सा गेट है, और गेट है। किसने, ये क्या है, वायर्स है भाई, सिग्नल तो जाएगा ही, 2 सिग्नल जाएंगे इकट्ठे, 1 बन के आएगा। तो 2 सिग्नल को ये क्या करेगा अभी बताता हूं, पहले शेप याद कर लो। ये जो शेप है ये है एंड गेट, और जो ये शेप है ये है नॉट गेट। 3 बेसिक गेट्स हैं, शेप याद हो गई। काम ये क्या करेगा, और गेट ए और बी के इनपुट सिग्नल को ऐड करके नया आउटपुट सिग्नल वाई दे देगा। तो क्या करेगा, ए और बी सिग्नल को ऐड करके नया सिग्नल देगा वाई। ये क्या करेगा, एंड गेट 2 सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट देगा। और उस तरीके से ये गेट क्या करेगा, ये गेट इनपुट का उल्टा कर देगा, बार लगा देगा। बताता हूं क्या होता है बार। ये जो एलजेब्रा चला दिया मैंने, एलजेब्रा
इसको मैथ्स का एलजेब्रा नहीं, इसको कंप्यूटर का एलजेब्रा बोलते हैं, जिसको बूलियन एलजेब्रा बोलते हैं। बूलियन एलजेब्रा, बूलियन का मतलब जिसकी दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के वेरिएबल्स का या वैल्यूज का एलजेब्रा। जीरो या वन को बिट बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू जो कोई मशीन रीड करती है बिट, तो ये बूलियन एलजेब्रा। और ये एक्सप्रेशन जो है, इसको मैथ्स में एक्सप्रेशन बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर्मूला भी बोल सकते हैं वैसे सिंपल लैंग्वेज में, पर ये एक्सप्रेशन बोला जाता है, बूलियन एक्सप्रेशन। ये जैसे और गेट है, ये ए है और ये बी है और ये वाई है, ये क्या करता है, दो इनपुट को मल्टीप्लाई करता है। अब इनपुट ए में क्या जाएगा, बैटरी से या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, बी के अंदर भी क्या होगा, या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, कुछ भी, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज नहीं, या जीरो या वन, या जीरो या वन, जाना इकट्ठा ही है। तो मैथ्स के स्टूडेंट बैठे हैं, दो इनपुट हैं, जीरो और वन, कुछ भी हो सकती है, तो चार केस बन सकते हैं, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, दोनों वोल्टेज लो हैं, एक लो एक हाई, एक हाई एक लो, दोनों हाई, चार केस हैं, इकट्ठे जा रहे हैं। तो आउटपुट क्या करेगा, ए प्लस बी, तो बोलो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन टू, तो होता ही नहीं कंप्यूटर में, वन ही होता है, नॉन जीरो नंबर को वन ही लिखना होता है, वन टू नहीं होता है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ गया, यहां तक एक टेबल बन गया जो और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंग्रेज दो ही चीजों को मानते हैं, या सच या झूठ, तो जिसने बनाया उसने इस टेबल का नाम दिया ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल बन गया। ट्रुथ टेबल का मतलब बस दो ही चीजें होती है मशीन के लिए भी, या हाँ या ना, देखेंगे नहीं होता, देख लेते हैं सिग्नल, आप सिग्नल पास करोगे, देखते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। उसी तरीके से अगर एंड गेट बनाए, ए बी जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ए इंटू बी, बोलो जीरो इंटू जीरो 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 वन, तो ट्रुथ टेबल किसका बन गया, एंड गेट का। क्या पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से अगर नॉट गेट का बनाए, नॉट गेट की क्या प्रॉब्लम है, इसके पास एक इनपुट है, दो नहीं है, या जीरो होगी या वन। नॉट गेट क्या करता है, उल्टा काम करता है, जीरो का वन, वन का जीरो, तो अगर जीरो इनपुट है या वन कर देगा, वन इनपुट का जीरो कर देगा, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो बेसिक टेबल पता लग गया, ये गेट्स का नाम याद हो गया, इसके अंदर क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर का काम है, जिसके अंदर हम इसको आधे घंटे में खत्म करेंगे, हाफ एन आवर लगेगा, इससे ऊपर ये बहुत आसान है, हाफ एन आवर में एक क्वेश्चन आपका पक्का होगा मेंस या नीट का। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, जो मैंने आपको गेन्स लिखवाए आज, वो गेन्स के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपटीशन में, वो डिस्कशन होनी है। ठीक।